Hello students, good morning. Today in 12th class mathematics, we are continuing with exercise 5.5. Question number 13 तक अभी हम लोगों ने ले लिया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14 से ही स्टार्ट करना ना बच्चों. क्वेश्चन नंबर 14. cos x to the power of y is equal to cos y to the power of x. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए log ले लो. log of cos x to the power of y will be equal to log of cos y to the power of x. ऐसा कुछ आएगा. What will happen to the power? Power इधर आ जाएगा. y into log cos x will be equal to x log cos y. अब डिफरेंशिएट कर लो. डिफरेंशिएट करने में फर्स्ट फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन अगर लेना है तो log का डेरिवेटिव कितना आता है? log का आता है 1/x आता है. तो इसको अगर अब ये x अज्यूम किया तो log का डेरिवेटिव 1/x आ गया. लेकिन अब अंदर वाले फंक्शन का, बाहर वाले फंक्शन का तो कर दिया, इनटू d / dx ऑफ क्या? cos x. ऐसा कुछ आ गया. फिर अब इसमें क्या चीज अप्लाई करेंगे? प्लस log cos x into dy by dx. What have we done in this step? We have applied product rule. First function derivative of second plus second into derivative of first is equal to, यही इसमें करेंगे. First function इसका derivative अगर ले तो 1/ cos y आएगा. log का अगर अभी हम लोग ले तो इसको अगर अभी हम लोगों ने x अज्यूम किया तो log x का derivative कितना आता है? 1/x आता है. लिख लिया. अब अंदर की तरफ चलें, बाहर वाले का तो कर लिया, log का कर लिया. अब अंदर वाले का अगर करें तो d by dx of what cos y, ऐसा कुछ आएगा. प्लस log cos y into d by dx of x, ऐसा कुछ आ जाएगा. अब थोड़ी सी जगह बचाने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव यहां पर लिख देना है. cos y का डेरिवेटिव बच्चों कितना आएगा? अब ये y का फंक्शन है इसलिए इसका आएगा माइनस साइन y इंटू क्या? y का फंक्शन है इसलिए dy / dx भी लेंगे. अब इसके बाद क्या करें, सारे टर्म्स dy / dx के लेफ्ट साइड पर ले आओ तो क्या आ जाएगा? log cos x dy / dx. इसको इधर ले आए तो कितना आ जाएगा बेटा? प्लस x upon cos y. प्लस क्यों लिखा? देखो माइनस था, x upon cos y इंटू साइन y dy / dx विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्या बचा हुआ है? log cos y बचा. इसका आंसर 1 आ जाएगा और यहां पर इसका कितना आ जाएगा? माइनस, ये टर्म को उधर अगर ले जाएं, इसको इधर लेकर आए, इसको उधर लेकर जा रहे हैं, तो y upon cos x तो आएगा और माइनस साइन x आएगा. बस अब इसमें टर्म्स को कॉमन लेकर dy / dx कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है. तो dy / dx कितना आ जाएगा? dy / dx इधर कॉमन मिलेगा, log cos x आएगा बच्चों, और यहां पर कितना आएगा? प्लस x tan y आएगा इज इक्वल टू log cos y आएगा और प्लस कितना? y tan x आ जाएगा. बस अब इसे dy / dx कैलकुलेट कर लो. dy / dx की वैल्यू y टू द पावर ऑफ x log y log cos y plus log cos y plus y tan x upon log cos x plus x tan y. हाँ ठीक है बेटा, ठीक है. इसको अभी हम लोग क्या करें, इसको नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, dy / dx आ जाएगा. तो dy / dx will be equal to log cos y plus y tan x upon log cos x
प्लस एक्स टेन वाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x माइनस वाई, ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से log ले लें, सारे प्रॉब्लम्स में log ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर ऑफ x माइनस वाई। अब log x प्लस log y लिख लें और यहां पर कितना आ जाएगा, x माइनस वाई पावर इधर आ जाएगा, log e आ जाएगा। और log e, log में इस पूरे चैप्टर में अभी हम लोग log का बेस स्पेसिफाई नहीं करते, दिस मीन्स द बेस इज e। अब यहां पर स्पेसिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेस और ये अगर सेम है तो इसका आंसर 1 आता है। log 2 टू द बेस 2 1 होगा, या log e टू द बेस e ये 1 होगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी कितना लिखेंगे, log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस y, बस। अब इसके बाद इसमें डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव, इधर भी डी बाई डी एक्स और इधर भी डेरिवेटिव ले लें, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब क्या करोगे, इसको अलग करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वाई इंटू एक्स माइनस 1, ये वाई इधर जाएगा और एक्स तो नीचे है और इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई, ऐसा कुछ इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, देखने में बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये कितना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 8, ऐसा कुछ है ना। और इसमें डेरिवेटिव निकालना है, देखो अगर लॉग नहीं लेना है तो भी इसका एक तरीका है, 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, तो ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 16 अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पूरा इतना बड़ा सा टर्म इतने में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन लॉग लेकर कर लें, एफ डैश एक्स अगर लेना है, हम वाई लिख लें, वाई ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, लॉग वाई विल बी इक्वल लॉग ऑफ, मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स हैं तो लॉग ऐड हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ऐसा कुछ।
अब क्या करें, ये वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव यही आएगा है ना, इसका इसका वन अपॉन वन प्लस एक्स आएगा, इसका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें एक चीज और बता दें, हाँ ये अभी नहीं तो लगेगा, ये देखो लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दोबारा फोर डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स टू दोबारा फोर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दोबारा एट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स टू दोबारा एट, ऐसा कुछ आएगा। अब कर लो इसको सब, ये कितना आएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, सॉरी वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, इसका कितना फोर एक्स क्यूब आएगा अपॉन वन प्लस एक्स टू दोबारा फोर, और इसका कितना आएगा बेटा एट एक्स टू दोबारा सेवन अपॉन वन प्लस एक्स टू दोबारा फिर, ऐसा कुछ है। ठीक ठीक है बच्चों, अब ये डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो कैसे, वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स को अभी हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं, और ये कितना आ जाएगा वाई, मतलब वाई पूरा लिखना पड़ेगा आपको, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू दोबारा फोर इंटू वन प्लस एक्स टू दोबारा फिर, ये तो y लिख लिया है ना, ये y लिखा और फिर अंदर का भी लिखना है, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स टू दोबारा फोर प्लस एट एक्स टू दोबारा सेवन अपॉन वन प्लस एक्स। देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है ना, है इनफैक्ट बड़ा, अब काम खत्म नहीं हुआ अपना, इन्होंने एफ डैश वन निकालने को बोला, एफ डैश वन अगर निकालना है तो एक्स की जगह वन रख लो, एक्स की जगह वन अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, वन प्लस वन, वन प्लस वन, इधर भी वन प्लस वन और इधर भी वन प्लस वन, चलो भाई टू टू जर फोर टू जर एट टू जर सिक्सटीन, इधर कितना आएगा वन बाय टू प्लस नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा टू अपॉन टू अपॉन टू प्लस टू इंटू वन, देखो टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वन स्क्वायर है ना, तो अभी हम इतना इतनी मेहनत नहीं कर रहे, टू अपॉन टू लिख दिया डायरेक्टली, आपको अगर कहीं पर दिक्कत जाती तो आप देख लेना फोर इंटू वन क्यूब फोर ही आएगा, वन प्लस वन यानी टू आएगा, एट अपॉन टू आएगा है ना, तो देखने में जितना टफ लग रहा था उतना नहीं है, सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन इंटू इधर कितना आ जाएगा अंदर बेटा, ये वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन प्लस एट फिफ्टीन बाई टू, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना बच रहा है, वन ट्वेंटी बच रहा है ना, तो जितना बड़ा ही मतलब सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद 17 में जरूर इन्होंने बहुत सारी मेहनत कराई है, अब चूंकि दिया हुआ है तो इसलिए अपन को करना पड़ेगा है ना, सो वी डू दिस। क्वेश्चंस को बच्चों जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आप उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है ना, कि अभी आप सोचो कि हाँ आपने वीडियो देख लिया सब कुछ हो गया है ना, सो यू हैव टू डू दी प्रॉब्लम्स है ना, आपने क्लास अटेंड कर ली तो उससे सब कुछ हो गया ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू डू। अब इसमें क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट दिया है, और क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन है ना, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन ऐसा कुछ है। अब इसको इन्होंने बोला है दो तरीके से, तीन तरीके से करना है, तीन तरीके से कैसे
यूजिंग प्रोडक्ट रूल, एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अरे बहुत लंबा काम है ना। देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये y दिया है, तो सबसे पहले तो अभी हम लोग इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लें, तो y कितना आ जाएगा। ये कौन सा वाला मेथड है, ये सेकंड वाला अभी हम पहले कर ले रहे हैं ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा। 17 का सेकंड ये कैसे मिलेगा, x टू द पावर 5 इसको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 7x³ प्लस 9x² ऐसा कुछ आया। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो माइनस पूरे से, माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 35x², ठीक। फिर उसके बाद माइनस 45x प्लस 8x³ प्लस 56x प्लस 72 ऐसा कुछ आएगा। अब ये सारे टर्म्स को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, टर्म्स को रीअरेंज करने पर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 ठीक। उसके बाद 7x³ और कहीं पर 8x³15x³ ऐसा कुछ आएगा ठीक। उसके बाद टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पर अब 15x³ के बाद क्या आ गया, ये हो गया, x² वाले टर्म्स क्या आ गए, 9x² माइनस 35। टर्म्स को एक काम करें, टिक करते जा रहे हैं, ये वाला हो गया है ना, बहुत सारे टर्म्स हैं, x टू द पावर 4 वाला टर्म ये भी हो गया, फिर x³ वाले ये हो गए ठीक। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, 9x² माइनस 35x², ये माइनस 26x² ऐसा कुछ आएगा ठीक है। अब उसके बाद माइनस 45 प्लस 56 ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 11x प्लस 72 ऐसा कुछ आएगा है ना। अब इसमें dy by dx निकाल लो बेटा, dy by dx निकालने पर कितना आएगा, कुछ टर्म्स गलत तो नहीं हुए बेटा, बस देख लेना, माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 35x ठीक। चलो देखते हैं, dy by dx विल बी 5x टू द पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11 ऐसा कुछ आ रहा है ना। टर्म्स को अगर आप देखें, 52x तो आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 21x², हाँ ये वाला टर्म अभी हम लोग देख ले रहे हैं, 21x², x² वाला टर्म, x² वाले टर्म क्या आएंगे, x³ ये टर्म मैच कर रहा है अपना, ये 52x ये भी मैच कर रहा है, 5x टू द पावर 4 ये भी मैच कर रहा है, फिर उसके बाद 20x³ ये भी मैच कर रहा है ठीक है। अब इसके बाद x² वाले, ये 21x² मतलब x³ वाले टर्म्स गलत हैं, x³ वाले टर्म्स 7x³ प्लस 8x³ है ना, और कहीं पर तो नहीं आ रहा x³ वाले टर्म्स। x³ एक किससे मिलेगा, 7x³ ठीक। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, 7x³ प्लस 8x³ ऐसे ही कुछ आ रहा है ना। चलो देखते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पार्ट, अगर कुछ कहीं नंबर छूट भी जा रहा है तो बेटा चेक कर लेना, जस्ट सी whether you are getting these numbers or not, because I am not exactly having the answers। अब इसमें सेकंड चीज क्या यूज करनी है, they was to use logarithmic differentiation। तो y is equal to x² minus 5x plus 8 है,
इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन है ना। तो अब कितना आ जाएगा बेटा, लॉग वाई विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ऐसा कुछ आएगा है ना। अब इसमें क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, जबरदस्ती फालतू की मेहनत कराया है इसमें इन्होंने, इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा बेटा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, ऐसा कुछ आएगा, प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन प्लस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर कहीं पर ऐसा कुछ कर दे रहे हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ऐसा कुछ आएगा। ये कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू, ये कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, ऐसा कुछ है, प्लस इसका कितना आ जाएगा बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अपॉन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ऐसा कुछ आया है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर इससे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू टू एक्स माइनस फाइव, ऐसा कुछ आएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, ऐसा कुछ बचेगा। तो अब आप इन टर्म्स को चेक करके देख लो बेटा कितना आ रहा है, क्योंकि अब ये ब्रैकेट्स खोलना बेटा ये तो बहुत लंबा सा काम हो जाएगा हमारे लिए है ना। तो यू जस्ट सी वेदर यू आर गेटिंग द आंसर्स और नॉट, इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम देन यू कैन जस्ट मैसेज मी। ये सेवन एक्स क्यू, क्योंकि अब ये इतना बड़ा मिला ना, मतलब ये टर्म्स ब्रैकेट्स ओपन करेंगे है ना, तो ये अब आप कर लेना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट रूल से आंसर्स मिलाना वो तो आसान है। अब इसमें नेक्स्ट एक्स क्यू वाली टर्म्स कहीं कुछ गलत तो नहीं है, समवन कैन जस्ट मैसेज मी, आई थिंक एक्स क्यू वाली टर्म्स सेवन एक्स क्यू कई बार हो जाता है, एक्स क्यूब सेवन एक्स क्यूब आएगा और एट एक्स क्यूब, नहीं ठीक है हमारे हिसाब से एवरीथिंग सही है, ओके थैंक यू बेटा। चलो अब इसके बाद ये ब्रैकेट्स इसके ओपन कर लीजिएगा है ना, तो ब्रैकेट्स ओपन करने पर टू एक्स, अरे यार ये तो टर्म्स बहुत बड़े बड़े आएंगे, कर दें क्या कि कर लोगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा, प्रोडक्ट रूल यू कैन गेट एज इट इज है ना, एक एक टर्म को ओपन कर लेना, ये टू एक्स टू दोबारा फोर आएगा इधर और ये थ्री एक्स टू दोबारा फोर आ जाएगा, ये देखो टू एक्स टू दोबारा फोर आएगा और ये थ्री एक्स टू दोबारा फोर मतलब फाइव एक्स टू दोबारा फोर तो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म्स कैसे मिलेंगे, एक्स क्यूब वाली टर्म्स में माइनस फाइव एक्स क्यूब, माइनस फाइव एक्स क्यूब मिलेगा, फिर इसके बाद माइनस फिफ्टीन एक्स क्यूब, तो ये माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब और टर्म्स को हाँ माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब आ गया है अपना है ना। तो अभी आप इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लेना, अगर टाइम बचेगा तो अभी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका तीसरा तरीका इन्होंने क्या बोला है बेटा, अच्छा एक ही प्रॉब्लम बचा है, चलो इसको ब्रैकेट्स ओपन कर देते, फाइव एक्स टू दोबारा फोर इतनी देर में हो ही जाएगा जितनी देर में अभी हम लोग सोचें, माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन एक्स माइनस थर्टी फाइव एक्स ठीक प्लस एटीन एक्स माइनस फोर्टी फाइव ठीक है प्लस
थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस 15x³, इतने सारे टर्म्स है, फालतू की मेहनत है, माइनस 15x³ प्लस 24x², ठीक, प्लस 7x², ठीक है, माइनस 35x, अब इतने बड़े बड़े टर्म्स, प्लस 56, ठीक है। अब देखो 5x से दोबारा 4 वाले टर्म्स मैच कर गए, 5x² + 3x² प्लस 3x² डेरिवेटिव लेने पर 8x² आ रहा है, x² वाले टर्म्स कितने आ जाएंगे बेटा, 24x² प्लस 7x² और यहां पर 14x², ये 14x² था। देखो इतनी सारी चीजें होने पर कुछ कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, है ना, ये कितना आ जाएगा 14x² प्लस 24, ये कितना आ जाएगा 38 प्लस 7 45, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब अब ये वेरीफाई हो गया कि दिस इज करेक्ट, अभी हमें इसमें डाउट हो रहा था, दिस इज परफेक्टली ओके। चलो नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा मेथड इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों x² माइनस 5x प्लस 8, अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, x³ प्लस 7x प्लस 9 ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3x² प्लस 7, देखो ऐसे ही आ रहा है, प्लस सेकेंड x³ प्लस 7x प्लस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा 2x माइनस 5, है ना, इन्होंने यही करने को बोला था। ये देखो ये वाला, ये तो बिल्कुल परफेक्टली एज इट इज मैच कर गया, है ना, इसमें ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इसमें थोड़ा सा चक्कर था क्योंकि ब्रैकेट से ओपन करने थे बहुत सारे, ठीक है। तीन तरीके से इन्होंने बोलना था कि एक तो प्रोडक्ट रूल और एक लॉग का लेकर और एक ब्रैकेट से ओपन करके, तीन तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसमें लास्ट प्रॉब्लम देख लो बेटा, UVW, अरे यार ये लोग देखो कितनी मेहनत करा रहे हैं इन्होंने बोला UVW का आपको डेरिवेटिव लेना है बेटा, U इंटू वी इंटू डब्ल्यू, दो बार प्रोडक्ट रूल यूज करके कर लो और लॉगरिथमिक का, है ना, तो ये भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो कैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू अगर लेना है तो अभी आप इसको कुछ क्या ले लो, एस ले लो, है ना, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एस की वैल्यू रख लो यूवी डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एस की वैल्यू यूवी, बस इतना सा है, तो ये कितना आ गया यू वी डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, यू वी डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू को डब्ल्यू डैश लिख दिया, यू डब्ल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी लिख लिया प्लस वी डब्ल्यू into derivative of u लिख दिया, ठीक, finish।
अब इसके बाद दूसरा तरीका इन्होंने बोला लॉग लेकर, यू वी डब्ल्यू है तो लॉग वाई कितना आएगा बच्चों, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, अब ये कितना आएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, बस खत्म हो गया। डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना तो वाई से मल्टीप्लाई कर लो, वाई क्या चीज है यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू इंटू वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अंदर ब्रैकेट्स ओपन कर लो, ब्रैकेट्स अगर आप ओपन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, वी डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस यू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, ऐसा कुछ। ठीक है, दिस फिनिशेस द एक्सरसाइज। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी हम लोगों जो स्टार्ट होगा वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग इट ऑन द नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।